देख रहे हैं नजारा आपके सामने है, सज्जनगढ़ का, सज्जनगढ़ का नजारा है। और ये देखिए पूरी अरावली की पहाड़ियाँ। तो बारिश का सीजन अभी चल रहा है और बारिश के इस सुंदर महीने में देखिए प्रकृति भी हमारा स्वागत कर रही है चारों तरफ से। कहीं फूल आवाज दे रहे हैं तो कहीं पेड़ आवाज दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर और अद्भुत है इधर का नजारा। तो दोस्तों ये बड़ी झील की तरफ जाने वाला रोड है, उसके बाद उभयेश्वर जी महादेव जो कि बहुत ही खूबसूरत सा स्थान है। और आज हम आपको मोरवाणिया ले जाने वाले हैं, जहाँ पे मोरवाणिया मतलब वहाँ पर गांव का नाम मोरवाणिया, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मोर रहते हैं इसीलिए उसको मोरवाणिया कहा जाता है। और ये देखिए उभयेश्वर जी महादेव रोड है और ये लगाए गए ऊपर तारों पे रात को चमकते इसलिए जानवर इनसे टकराते नहीं है। मैंने भी जब बाद में समझा क्या है तो फिर बाद में पता चला कि ये भी कुछ है। तो देखो कितना टेढ़ा मेढ़ा रोड है, टेढ़ा मेढ़ा रोड, टेढ़ी मेढ़ी जगह। तो मैं तो बाकी की माँ की बन गई और बाकी का बन गया झूला, रस्सियाँ ने चलिया ने अखियाँ ने गलिया ने, मैं तो बाकी की बाकी बन गई और बाकी का बन गया झूला, मैं तो बाकी की बाकी बन गई। और यहाँ कहता रात को तो करना है ना, रात को नहीं होगी, दिन में ही दिन में कहता होगी, रात को नहीं, यहाँ जहाँ जा रहे हो मना कर देना रात में तो पब्लिक नहीं आएगी, आ जाएगी ना गाँव में। थोड़ा डेंजर रोड है इधर, ना रात का माहौल है, रात का माहौल थोड़ा ऐसे ही है, ऐसा ही है यहाँ का। मैं तो बाकी की बाकी बन गई और बाकी का बन गया झूला, इस माँ के का सब कुछ माँ का, मैं तो बाकी की माँ की बन गई और बाकी का बन गया झूला, मैं तो बाकी की माँ की बन गई और बाकी का बन गया झूला। तो कैसा लगा हमारे ये जंगल का रोड, बहुत ही खूबसूरत सा स्थान, काफ़ी जंगल का एरिया है। रात को 8-9 बजे अंधेरा होने के बाद यहाँ से निकलना भी बहुत ही बड़ी चुनौती है, क्योंकि रात को यहाँ पे जंगली जानवरों का खतरा जो है वो बना रहता है। तो दोस्तों एक समय ऐसा आएगा ये सारे रोड हाईवे में बदल जाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ पर चलेगी, बड़े बड़े वाहन यहाँ पर होंगे, प्रकृति के ये पहाड़ जो है वो आपको कटे मिलेंगे, फटे मिलेंगे। और ऐसी बात नहीं है कि सब नष्ट होगा, कुछ बचेगा, जितना विकास होगा पेड़ भी बढ़ेंगे। अभी जो पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं ये जंगल का क्षेत्र, फिर आपको मीठे पेड़ मिलेंगे, अच्छे पेड़ मिलेंगे, काटेदार पेड़ जो है ये लुप्त होंगे और नए पेड़ होंगे। ये देखिए बांस के पेड़ है, बांस का पेड़ कई चीज़ों में काम आता है, बांस की लकड़ी, बांस के बहुत सारे आइटम बनते हैं उसमें काम आता है, और ये पूरा बांस का ही बाजार जो है वो कहा जाता है। तो मैं तो बाकी की बाकी बन गई और
पाकी का बन गया चूला। देखो कितने बड़े बड़े पहाड़ है, देखिए आप तो कितने सुंदर सुंदर पहाड़। और अब हम चढ़ेंगे बहुत ही खतरनाक चढ़ाई, जिस चढ़ाई और ये बहुत ही बड़ी शिला। महाराज जी आप बिल थाम के बैठे हो ना, बिल थाम के बैठे हो? हाँ मैं ध्यान रखूँगा, आप थोड़ा गाइड बैठ जा रहा है। नहीं बाइक बहुत सिस्टम से बैठा हूँ, हिलती तो हमारी प्रकृति की नहीं है तो बाइक भी हिले आसमान वाले जमीन पर उतर के दे, होती है क्या जुदाई कि तू भी कर के दे। आसमान वाले जमीन पर उतर के दे। क्या बात है, बहुत ही सुंदर गाना था। चलिए दूसरा गाना हम लेते हैं, और ये लेते हैं अगली बार हम लता मंगेशकर का। गाना याद नहीं आ रहा है। दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे, देखेंगे देख लेना। तो बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। बड़े बड़े चट्टाने, बड़े बड़े पेड़, और इनको दोस्तों रूंजा बोलते हैं, रूंजे का पेड़। ये जो है ना रूंजा, क्या बोलते हैं रूंजा, न काम का न काज का दोस्तों। ओ यो कहीं रे क्यों आगे, तो देखो बहुत ही सुंदर है। ये आ गया मोरवाणिया, मैंने कहा था ना मोरवाणिया बहुत ही अच्छा गांव है। अब हम पहुंच गए हैं मोरवाणिया गांव में। मोरवाणिया मोरवाणिया मोरवाणिया, वाह भाई वाह, प्रकृति से सुंदर गांव मोरवाणिया गांव में पहुंच चुके हैं। चलिए मोरवाणिया गांव में, देखिए बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन काम हो रहे हैं यहाँ, काफ़ी बड़ा गाँव है। और हम चलेंगे गाँव के अंदर और देखेंगे वहाँ क्या व्यवस्थाएँ हो सकती है। तो दोस्तों पहले यहाँ पर पुल नहीं था, अभी अभी पुल बन गया है, पुल भी बन गया है। और हम गांव की तरफ जाएंगे और देखेंगे क्या कुछ, पहले पुल नहीं था। तो यहां से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मैं भी पहली बार जा रहा हूं यहां इस गांव में। पहले रोड ही देखा है। वो देखो वीर बजरंगी, देखो कैसे भागा। ये नदी है जिससे पानी भरता है, है ना पानी थोड़ा सा है, अभी आने वाला है, अभी पानी बुलाया। तो चलिए मोरवाणी आ गया है और अब हम गांव की तरफ चलते हैं, मिलेंगे फिर अगली स्टोरी में।